पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जिसमें कोई चीज़ इतनी जगह टिकती नहीं है। हर 6 महीने 1 साल कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, ठीक है, आप उसको अडेप्ट करते हो, सही है। तो मुझे जो 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 क्लियर डायरेक्शन समझ आई है उनको पहले मैं एक चीज़ को एड्रेस करूँगा और फिर जो दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ यह है कि सस्टेनेबिलिटी, विच इज़ फ्रॉम द वर्ड सस्टेनेंस, सही है, कि हम अपने काम को और अपनी जिंदगियों को कैसे बेहतर सस्टेन कर सकते हैं। क्या हमें जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इसी तरह से हम चला पाएंगे, जो हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम है या हमारी कैपेसिटी टू अर्न है, ये हमारे लाइफस्टाइल है। सो लाइफस्टाइल एक है जिसको आप अभी मेंटेन कर रहे हो, आप उसको मेंटेन कर सकते हो। दूसरा ये कि आपकी जो ख्वाहिश है कि मेरा ऐसा हो लाइफस्टाइल, तो उसको आप उस तक कैसे पहुंचना है। जो आपके करंट खर्चे हैं या अभी जो हमें बात समझ आई है कि एकदम से आपके नीचे से कारपेट खींच सकता है और जो आपकी रियलिटी है वो बदल सकती है, सही है, तो हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इस अगर हम इसको ग्राउंड ज़ीरो लेंगे तो ये सिर्फ अभी करंट सिचुएशन है, कोई इतनी पैनिक की सिचुएशन नहीं है। पैनिक की और बहुत सारी चीज़ें हैं कि एज अ डिज़ाइन प्रोफेशनल, ठीक है, हम आगे क्या देखते हैं, करंट रियलिटी क्या है। करंट रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तब्दील नहीं हुई, ठीक है, हमें लग रहा है कि एकदम बदल रहा है, बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल तब्दील नहीं हुई, वो ऐसे ही है। जो इसका अगला वीडियो है तो उसमें हम एड्रेस करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफस्टाइल एंड देन वी कैन एड्रेस सस्टेनेबिलिटी ऑफ आर डिज़ाइन प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो के हमें एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर या एज अ डिज़ाइन प्रैक्टिस क्या क्या फील्ड्स हैं, आप किस तरफ जा सकते हैं, क्या क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट होना चाहिए, कुछ एजुकेशन के एंड पे हम उसको टच कर सकते हैं। और अगर आपको कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया तो उसके बाद आपने पॉसिबली, मैं अपनी नॉलेज ही बता सकता हूँ या जो ऑब्जर्वेशन है बता सकता हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, तो वील एड्रेस दैट। थैंक यू।